आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। उन्नाव में किसानों पर हुए लाठी चार्ज के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी सीडा के 1144 एकड़ की ट्रांस गंगा सिटी परियोजना में किसानों से ली गई जमीन का मुआवजा अभी तक कई किसानों को नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर समय समय पर बवाल होता रहता है। शनिवार को अचानक कब्जा लेने पहुंची औद्योगिक विकास प्राधिकरण की टीम का भीड़ से मोर्चा हो गया। शंकरपुरवा सराय ग्राम पंचायत के किसानों का कहना है कि जब हमें ठीक से मुआवजा नहीं मिला तो हमने वहां फसल बोना शुरू कर दिया। जमीन खाली कराने के लिए पुलिस ने बर्बरता दिखाई और किसानों पर लाठी चार्ज किया, जिससे कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस का रवैया कैसा था। वहीं जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे के अनुसार 80% लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। पुलिस से किसानों की मारपीट को उन्होंने गलत बताया, जबकि वीडियो कुछ और ही बयां कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुआवजे के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। ऐसी घटना के पीछे प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। पता चला है कि किसानों के नेता हीरेंद्र निगम को पुलिस एनकाउंटर करने की धमकी दे रही है। हादसे की जानकारी होने के बाद राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित उन्नाव पहुंचे। वहां का माहौल देखकर वह विचलित हो उठे। उन्होंने कहा कि उन्नाव की पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण काम किया है वह काफी निंदनीय है। उन्होंने शंकरपुर गांव का भ्रमण किया और किसानों का हालचाल लिया। शेखर दीक्षित ने कहा कि जहां पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ, वो जमीन किसानों की है और प्लाट सरकार बेच रही है। ऐसा लगता है कि दबंग प्रॉपर्टी डीलर हो जो माँ बहनों को मारा, बुजुर्गों को मारा, किसी को नहीं छोड़ा। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, दुखद है और सोचनी भी। खबरों की पड़ताल न्यूज लाइव की टीम के विजय चंद तिवारी, सनोज मिश्रा व आशुतोष त्रिपाठी ने किया। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तहतर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर।